तमाम दलीलों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत करे पेन तोड़ दू तो आई थिंक तो पीपल स्टार्ट्स रिस्पेक्टिंग हिम। तो जर्नलिस्ट जो सिर्फ कभी बात भी नहीं करते हो आते कहते पटना की तन्वी शुक्ला ने देखिए ये कर दिया पटना की। तो एक जर्नलिस्ट से पटना की तन्वी शुक्ला होते होते अपभ्रंश आ जाता है पटना शुक्ला। एजुकेशन सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग था कि एक्चुअल में बच्चे पेड़ों के नीचे बैठ के पढ़ते थे, या फिर जो इंसान जो बच्चा क्वेश्चन पूछता था उसको रिवॉर्ड किया जाता था। तो उस जगह पर औरतों को अपनी जगह बनाने के लिए बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है, लड्डू खिलाना, ये सारी चीजें। तो उनको आदमियों के एरिना में डील करने के लिए अपना ईगो भी कहीं ताक पे रखना पड़ता है। तो उस सिचुएशन की एक ऐसी औरत की कहानी तो फिर मुझे तब से वो उनके साथ वो बॉन्ड बना और चीजें उन्होंने सिर्फ ना सिर्फ मुझे सिनेमा की टेक्निकलिटीज के बारे में बट ऑल्सो लाइफ के बारे में इतना कुछ सिखा दिया जो शायद मैं अपने लाइफ के लिए हमेशा अपने साथ रखने वाली हूँ। आई एम सो हैप्पी। हेलो विवेक जी, हेलो अनुष्का, वेलकम टू इंडियन एक्सप्रेस जनसत्ता। फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशन, ट्रेलर इज वेरी अमेजिंग। तो अगर बात करें हम ये टॉपिक की, तो डू यू बिलीव कि एक्चुअली एजुकेशन से अब तक होती है और इसे चेंज होना चाहिए? व्हाट आर योर थॉट्स? I'm too little to say anything about the education system as such, but I'm saying maybe the system is perfect, but there are a lot of discrepancies जिसके चक्कर में इस तरह के स्कैम्स छोटे छोटे हो जाते हैं। सो वो जो लीकेज है उसको रोकने की जरूरत है ना। इफ उस कॉन्टेक्स्ट में अगर पॉलिसीज को रीड्राफ्ट किया जाए, रिविजिट किया जाए, देयर इज नो हार्म इन डूइंग सो। बट यस, इट्स अ वेरी रैम्पेंट स्टफ, स्पेशली एजुकेशन सेक्टर में स्कैम्स हर एक जगह पर होते हैं और हर एक से कंट्री का इफेक्ट पड़ता है। बट आई एम लिटिल पर्टिकुलर सेंसिटिव टुवर्ड्स एजुकेशन बिकॉज दैट्स द बैकबोन ऑफ अ कंट्री, यू सी। या तो अगर आपने एजुकेशन के साथ कॉम्प्रोमाइज कर दिया तो फ्यूचर जनरेशन खराब हो जाती है। सो उसको लेकर के मुझे लगता है थोड़ा हमें ज्यादा सेंसिटिव होना चाहिए, सेंसिटाइज करना चाहिए। इसी डायरेक्शन में पिक्चर है ताकि लोगों को थोड़ा अवेयर किया जा सके कि भाई इस तरह के भी स्कैम्स हो रहे हैं। राइट। अनुष्का, क्या आपका रिएक्शन था व्हेन यू केम टू नो अबाउट सच टॉपिक, और व्हाट वाज योर रिएक्शन? आई जस्ट वांट एग्जैक्टली आई नो सर वाली चीज पर, जैसे उन्होंने बोला कि कुछ चीजें हैं कि वी हैव टू बी सेंसिटिव, वी शुड बी सेंसिटिव टूवर्ड्स दैट। जैसे कि अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो आई थिंक हमारा हमारी कंट्री एक ऐसी जगह है जहाँ का एजुकेशन सिस्टम इतना फाइन था। टुडे हम फिनलैंड की बात करते भी नहीं हो सकता बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट पॉपुलेशन एंड लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स वो चीज नहीं हो सकता। बट कि क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना स्ट्रांग था कि एक्चुअल में बच्चे पेड़ों के नीचे बैठ के पढ़ते थे, या फिर जो इंसान जो बच्चा क्वेश्चन पूछता था उसको रिवॉर्ड किया जाता था। इवन अगर आप स्पिरिचुअल टेक्स्ट बुक्स की आई गॉट टू हियर इट फ्रॉम समबडी और मुझे इतना इंटरेस्टिंग लगा कि अगर हम श्रीमद् भगवद गीता में कहें तो ऑफ कोर्स विद रिस्पेक्ट कि हमने भगवान से भी सवाल पूछा है, कृष्ण से, अर्जुन, हर एक चीज पर सवाल पूछते हैं। तो आई थिंक जिस तरीके से फिर मैकलॉज आए और हमारा पूरा का पूरा उन्होंने सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम को ही खत्म करने की कोशिश की, क्योंकि कोई भी कंट्री जो है कोई भी किसी कंट्री को, क्योंकि उसका एजुकेशन सिस्टम इतना स्ट्रांग था। तो आई थिंक टुडे वी रियली हैव टू सेंसिटाइज, वी रियली हैव टू पे अटेंशन टू दिस पॉइंट कि अगर किसी भी तरीके लूप होल्स है, किसी भी तरीके के स्कैम्स है, तो उन चीजों के बारे में बात की जाए विच दिस फिल्म इज टॉकिंग अबाउट। तो आई थिंक दैट्स व्हाई दिस फिल्म इज इम्पोर्टेंट और बहुत जरूरी है उस चीज को बाहर लेके आना, उस चीज के बारे में बात करना। क्योंकि जब मुझे आपने जैसे आप पूछा कि जब मुझे पहली बार इस फिल्म के बारे में पता चला तो मुझे ऐसा था कि अच्छा ऐसे भी स्कैम होते हैं, क्योंकि हम आप उसको हेडलाइंस पर पढ़ते हो बट आपको लगता नहीं कि वो सब चीजें इसी दुनिया में और इसी देश में हो रही है, बट हो रही है और कितने लोग इफेक्टेड भी हो रहे हैं और उनको रियल कॉज भी इतने फाइन तरीके से और सबके इन्वॉल्वमेंट के साथ किया जाता है। बिकॉज व्हेन यू वॉच द फिल्म यू विल गेट टू नो कि कितने स्मूथली किया जाता है कि निकालने वाला नहीं निकाल पाएगा। बिल्कुल। एंड विवेक जी, मेरा सवाल यही आपसे था कि आपको भी पता होगा लाइक कई सारे, अभी भी अगर हम बात करें तो अर्बन छोड़ो और रूरल एरिया में भी ये सारी चीजें होती हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो फिल्म आपने बनाई है, लोग जब आएंगे इसे देखेंगे तो क्या उनका एक देखने का नजरिया बदलेगा, या वो सिर्फ इसे एंटरटेनमेंट बेसिस के लिए लेके के जाएंगे? क्योंकि स्कैम की स्कैम पहले भी हो चुके हैं जिसके ऊपर मूवी बनी है, लेकिन लोग आते हैं सिर्फ देखते हैं, 2 दिन बाद 4 दिन बाद भूल जाते हैं। जी, बस मैं इसी चीज पे आ रहा था कि अगर स्कैम्स हमने बहुत सारे देखे हैं, ये थोड़ा सा अलग है, बट स्कैम इसकी बैकबोन है फिल्म की।
इट्स नॉट अबाउट कॉमन वुमन स्ट्रगल. तो हमने जो लेंस चूज किया स्कैम को डिस्कवर करने का, जो की कहानी है वो एक कॉमन औरत का किया जिसका उससे लेना देना कुछ नहीं है. शी हैपेंस टू बी अ लॉयर, शी इज अ वेरी फैंटास्टिक हाउसवाइफ, उसके अपने स्ट्रगल्स हैं पेट्रियार्कल सेटअप में, हस्बैंड भी करता है प्यार भी करता है, बच्चे से अप्रूवल भी चाहिए प्यार भी है. जिस कोर्ट में काम कर रही है इट्स अ वेरी पेट्रियार्कल सेटअप, स्पेशली इन पटना. अगर आप लोअर कोर्ट कहीं चले जाए तो रेयरली यू कैन फाइंड अ वुमन लॉयर, स्पेशली इन लोअर डिस्ट्रिक्ट. तो उस जगह पर औरतों को अपनी जगह बनाने के लिए बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है, लड्डू खिलाना ये सारी चीजें. तो उनको आदमियों के एरिना में डील करने के लिए अपना ईगो भी कहीं पर ताक पे रखना पड़ता है. उस सिचुएशन की एक ऐसी औरत की कहानी जिसके लेंस से हम इस कहानी को देखते हैं. व्हाई आई चोज द लेंस ऑफ अ कॉमन वुमन, ये तो कॉमन वुमन अट्रैक्ट्स मी बिकॉज़ शी इज लाइक माय मदर, माय सिस्टर, माय वाइफ, आई कम फ्रॉम मिडिल क्लास. बी उसका लेंस हम जब इस्तेमाल करते हैं तो औरतों और बाकी आदमी को समझाने के लिए बहुत टेक्निकल नहीं बचती. तो एट द कोर ऑफ इट इट्स ऑफ कोर्स इट्स अ बैकड्रॉप स्कैम है ये चीज है, बट ऑन द फेस ऑफ इट्स अ वेरी लाइट हार्टेड फिल्म, इट्स अ वेरी रियल फिल्म. तो उस कॉन्टेक्स्ट में लगा कि ये लेंस हम चूज करेंगे तो शायद एक अलग तरीके से हम इसको स्कैम पे फोकस कर सकते. यूज नहीं किया लेंस हमेशा तन्वी शुक्ला ही दे रहा है क्योंकि एक हाउस वाइफ है जो कि एक लॉयर है. एंड अनुष्का आपको क्या कहना है, जब भी डेफिनेटली आपको स्टोरी पता चली, स्क्रिप्ट पता चला, तो आई एम श्योर ट्रेलर के बाद काफी सारे कनेक्ट किया होगा या फिर उन्होंने बताया होगा, हो सकता है उनके गांव में या कहीं पे या फिर यू नो इन योर फ्रेंड सर्कल ओनली, क्योंकि ऐसे कुछ मैंने लकीली वो मेरे साथ कभी नहीं हुआ है. बट आई थिंक क्योंकि हमने जैसे कि आपने बोला कि ट्रेलर के बाद का लोगों का रिस्पॉन्स स्पेसिफिकली लॉट ऑफ पीपल आर एक्साइटेड बिकॉज ऑफ दिस टाइटल. तो आई थिंक कहीं ना कहीं या तो बिकॉज उस टाइटल की वजह से भी और कई सारे लोगों का, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से देखा कि यार ये तो कुछ कुछ सेटअप विवेक सर ने की वो चीज तो है ही कि एजुकेशनल स्कैम है, बट हाँ कहीं ना कहीं हम इसमें पेट्रियार्कल सोसाइटी, हम वुमेन एम्पावरमेंट और बहुत सारी अलग चीजों को भी टच कर रहे हैं. तो आई थिंक विच इज वेरी वेल वर्स्ड एंड लोगों तक बहुत अच्छे से पहुंच रही है. और ऑफकोर्स ये तो ट्रेलर है, अभी 29 को पूरी फिल्म आएगी तो शायद बेहतर तरीके से लोग भी समझ पाएंगे, क्योंकि अभी उनको बहुत ब्रीफ में उनको चीज परोसी गई है. तो या सो आर यू लाइक नर्वस और एक्साइटेड? आई एम एक्साइटेड फॉर श्योर, आई एम नॉट एट ऑल नर्वस, आई एम नॉट एट ऑल नर्वस. मैं क्या, कोई भी ऐसा नहीं होगा जो कहेगा कि नहीं ऐसा नहीं वैसा था वैसा नहीं ऐसा. वी जस्ट एंजॉय हर, आई थिंक वी हैव सीन हर ऑन द मैगजीन कवर्स एंड राइट फ्रॉम माय चाइल्डहुड आई हैव डांस्ड ऑन हर सॉन्ग्स. तो उसके बाद डायरेक्टली अब उनके साथ स्क्रीन शेयर करना है एंड टू नो व्हाट एन अमेजिंग ह्यूमन बीइंग शी इज, बिकॉज वी ऑल नो दैट शी इज एन अमेजिंग डीवा, शी इज देयर ऑन. क्योंकि मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि हम कहीं ना कहीं उन लोगों को मैगजीन कवर्स तक नहीं समझ पाते कि देयर इज अ ह्यूमन एलिमेंट एंड वी रियली नीड्स टू गिव दैट पर्सन दैट स्पेस एज अ ह्यूमन. तो मेरा वो कहीं ना कहीं वो रहता है जो हमारा फर्स्ट डे पे हमने बहुत ही थोड़ा सा इमोशनल थोड़ा सा हेवी सीन था वो किया, विच शी गॉट वेरी इंप्रेस्ड टू एंड शी गॉट इंट्रीग्ड टू एंड शी आस्क्ड. तो फिर मुझे तब से वो उनके साथ वो बॉन्ड बना और चीजें उन्होंने सिर्फ ना सिर्फ मुझे सिनेमा की टेक्निकलिटीज के बारे में बट ऑल्सो लाइफ के बारे में इतना कुछ सिखा दिया जो शायद मैं अपने लाइफ के लिए हमेशा अपने साथ रखने वाली हूँ. आई एम सो हैप्पी दैट इन सच अ अर्ली स्टेज ऑफ माय लाइफ आई गॉट टू वर्क विद सच ग्रेट अमेजिंग एंड ऑफ कोर्स सतीश कौशिक सर. एग्जैक्टली वेल क्या कुछ कहना है अनुष्का, व्हाट विल बी योर टेक अवे स्पेशली इफ आई आस्क यू फ्रॉम दिस फिल्म? फ्रॉम दिस फिल्म आई थिंक अ लॉट ऑफ टेक्निकल लर्निंग्स फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिनेमा एंड रीडिंग फ्रॉम विवेक सर. A lot of understanding of marketing and the personal space from Arbaaz sir, and a lot of jokes from Chandan. His way of working is amazing. I've worked with Jatin already on a show Garmi, so unke saath to it's very chill pill. So I think I have different things to take from different person. आपसे जाना चाहूँगी definitely. आज हमारे बीच सतीश कौशिक नहीं है तो क्या कुछ कहना है उनके बारे में? डेफिनेटली ये पिक्चर रिलीज होने के बाद लोग उनको याद तो करेंगे, लेकिन आप उनके साथ काम कर चुके हैं, क्या कुछ कहना है आपको? फैंटास्टिक एक्सपीरियंस था नाम सिंह के, बिकॉज़ ही हिमसेल्फ द डायरेक्टर एंड एन एक्टर बाय एक्सपीरियंस.
पहली चीज उन्होंने तो मेरे साथ की जो मैं हमेशा याद रखूँ, उन्होंने ही पुट मी एट ईज। ही सेड यार ये मत सोच मैं डायरेक्टर हूँ, आई एम एन एक्टर्स डायरेक्टर, मुझे एक्टर की तरह डील कर और मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, बता कैसे क्या करना है। सो बिकेम लाइक अ किड, लाइक अ चाइल्ड, लाइक एन एक्टर। ही नेवर इंटरफेयर इन डायरेक्शन एंड हिज एक्सपीरियंस, प्लेथोरा ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ कोर्स वेरी हैंडी। तो कुछ एक लाइन्स अगर वो सजेस्ट करते and with Satish ji and me in tandem with each other we created this character. उसके सारे quirks discover करने में Satish ji ने हमारी help की जो script पे थे, but of course एक actor के caliber होता है उसको लेकर गया memories and I still remember कि जब एक दो take के बाद उन्होंने दो तीन take और मांगे थे and he said यार विवेक इसमें मजा आ रहा है। so मैं line नहीं उनकी भूल सकता, ये इसमें मजा आ रहा है, probably because he was doing it for the first time. it's a serious character He suffers from many issues. He's a cynical character. तो वो मेरे के साथ याद रहेगा मुझे। So, अबे too soon. But brilliant man. And luckily, I could discover a child in him. That's my biggest, what do you say, the fondest memories. कि बच्चा, उनका बचपना देख लिया मैंने। तो शायद उन्होंने discover किया इतने साल बाद। And we were all privy to that information. So it was like a eureka moment for us. Right. And Anushka, how was your experience? What do you have to say? What memories? Again, I think I think I can talk about him for hours because my Satish sir ke saath mera jo first film jo tha OTT ka tha wo Satish sir ke saath tha and uske baad are tu yahan right from the reading so maine kaha yes sir you think I am fortunate enough that we could have him in his last days और उन्होंने वो कहीं भी कुछ बोल कि मैं किसी ने किसी काम में लगे थे कौशिक कौशिक मैंने कहा हाँ हाँ सर हाँ ये तो जवाब मैंने कहा सॉरी सॉरी सर तो हर चीज चाहे वो एक हर चीज में लाइक अ किड यूज्ड टू फाइंड फन एंड कि वो ऐसा अनुष्का अगर ये यही फिल्म हम 90s में बना रहे थे तो कैसे होता है तमाम दलीलों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत करे पेन तोड़ दू तो आई थिंक I think still just keep using present tense for him. He's a cool person. Or one crazy incident happened. Like one person from the junior artist, he came to me. I was like, are you from his family? Are you a nepo kid? Because I think he keeps loving you so much. And इसलिए सतीश कौशिक और अनुष्का कौशिक is like that's why you're doing this film. मैंने कहा अरे यार, I wish I was from his family. But yeah, I think now I consider him as a part of my family where we have created this project and it's here now for the audience. Right. And well, ये सवाल काफी सारे सुनते हैं पटना शुक्ला तो हमको ऐसा लगता है शायद ही कोई शुक्ला फैमिली है और ये पटना की कोई कहानी है. So exactly what was the reason for this title? ये title working draft में dialogue के साथ ही आया and it has a significance but I like the sound of पटना शुक्ला. तो कहानी तन्वी शुक्ला की थी who is a very inconsequential lawyer, a housewife, a common housewife. तो जब वो केस inconsequential woman to becoming a woman of substance, उस journey जब जाती है, तो people starts respecting him. तो journalists जो सिर्फ कभी बात भी नहीं करते आते, कहते पटना की तन्वी शुक्ला ने देखिए ये कर दिया पटना की. तो एक journalist से पटना की तन्वी शुक्ला होते होते अपभ्रंश आ जाता है पटना शुक्ला. So by the time it reaches to her, there's a scene in ring the court. After big victory, and they says कि पटना शुक्ला इसके बारे में क्या बनना है? She says पटना शुक्ला. तो journalists बोलते हैं हाँ, बाकी journalists भी तो आपको इसकी नाम से जानते हैं. And she smiles because this is something which she has earned it. She says अच्छा, अच्छा है. अब पटना को इस शुक्ला की आदत पड़ जानी चाहिए. अच्छा है. Okay. So that's how the thing went. That's nice. And इसके अलावा technically it's a producer's call which is Arbaaz Khan because I'm just a co-writer and director but why not OTT because OTT gives you a wider platform and the story is such it's a very simple housewife common woman story so chances kya hota hai ki OTT aapke liye wider platform khol deta hai aur bahut sare logo tak ek sath story pahunch jati hai jo otherwise wo shayad theater jane ki zehmat na uthate and since it's such a simple and a common story jo rampant ho raha logo ke sath to maybe unke identification ke liye better hai ki ghar pe baith ke dekhe apni family ke sath se nice family watch so why not to wants to add ki it's not a like you need to book a corner seat in a hall aur aap tabhi is film ko dekhe wo ye wo film hai jo bedroom kya aap living room mein baith ke puri family ke sath dekhe and I think we
somehow somewhere need such films now, because there's so much of crime, there's so much of things already we have on our platter. कि अब हमको ऐसी फिल्म्स और ऐसी चीज की, सो दैट इट इज एन इवेंट वेयर द होल फैमिली इज सिटिंग एंड दैट दे टॉकिंग अबाउट एजुकेशन सिस्टम, दे आर टॉकिंग अबाउट पेट्रियार्कल लाइफ, दे आर टॉकिंग अबाउट कि किस तरीके से हम चीज़ों को और लोगों को अपनी लाइफ में फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं. तो आई थिंक इसलिए कि ये डिज्नी हॉटस्टार जैसी जगह पर है. राइट एंड वही मेरा अगला सवाल था कि अगर ऑडियंस की बात करूँ तो अब ऑडियंस का देखने का नजरिया बदल चुका है. नाउ यू नो हर कोई बोलता है कॉन्टेंट इज द किंग, तो कंटेंट सही मिले तो उसके लिए कितना मेहनत करना पड़ता है एंड हाउ यू थिंक कि ये जब से ओटीटी आया है तब से यू नो लोगों का के पास काफी वैरायटीज ऑफ चॉइस है. सो इसमें एज एन डायरेक्टर बात करूँ या एज एन एक्टर बात करूँ, कितना डिफिकल्ट हो जाता है यू नो एक परफेक्ट स्क्रिप्ट या फिर परफेक्ट कॉन्टेंट मिलने के लिए. इट्स अ वेरी नोशनल थिंग कॉल अ परफेक्ट स्क्रिप्ट और परफेक्ट कंटेंट, बट एज अ मेकर आई कैन से इट और एज अ राइटर अक्सर आप अपने गट फीलिंग पर रिलाई करते हैं, बिकॉज दैट्स द फर्स्ट ऑडियंस यू गेट इट. अगर आपको अपील कर रही है तो आप वो करते हैं बाकी को अपील करिए, अदरवाइज देयर इज नो पैरामीटर एज सच. इस तरह को इट वोंट वर्क दैट वे. सो पहली चीज है कि हमारे गट को हिट करती है, हमें लगा कहानी बनाते टाइम कि टॉपिक अच्छा है, लोगों को सेंसिटाइज करना चाहिए, बट इन द गाम ऑफ अ फैमिली एंटरटेनर और उसका जो कैरेक्टर है वो हमारी माओ जैसे, हमारी बहनों जैसे, हमारी बीवियों जैसे, तो हमें लगा हाँ ये इंटरेस्टिंग लेंस है कहानी बताने का, और वो कैरेक्टर हमको अपील करना शुरू कर दिया, हमें इतना रियल लगना शुरू हुआ कैरेक्टर, जैसे हमने अपने माओ के स्ट्रगल्स, वाइफ के स्ट्रगल देखे. आई थॉट जब हम उससे कनेक्ट कर सकते हैं तो ऑडियंस भी हमारे साथ है ना, तो शायद उनके साथ वो कनेक्ट बैठ जाएगा. देयरफॉर द स्टोरी ओरिजिनेटेड. सीइंग हाउ डिफिकल्ट इट इज यू नो टू गेट द प्रॉपर स्क्रिप्ट. ओके सो आई थिंक थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन. सबसे पहले तो क्योंकि आई थिंक इसका ना थोड़ा सा आंसर चेंज हुआ है. अगर आप मुझसे सेम क्वेश्चन पूछते Definitely, now the content is the king. If अगर आप इस decade की बात करें तो content is the king. But again, when we talk about OTT platforms, there was a time अभी से 2 साल पहले जब हम भूखे थे और all of a sudden एकदम से इतना सारा content आया और हम लोगों को बहुत अच्छा अच्छा content मिला. But now, because अभी से मैं 6 महीने या 8 महीने या साल भर की बात करूँ तो कहीं ना कहीं अभी ये हो गया है कि accessibility भर गई है, थोड़ा easy हो गया है क्रिएटर्स को अप्रोच करना और क्रिएटर्स का उस प्लेटफॉर्म तक और चीजें बनाना. तो आई थिंक देयर इज सो मच बीइंग मेड राइट नाउ दैट वी रियली हैव टू बी पिकी एंड वी रियली हैव टू चूज कि हाँ ये कंटेंट अच्छा है तो आई रियली वांट टू एसोसिएट माय सेल्फ विद दिस स्टोरी और फिल्म और लेट्स से द कैरेक्टर. सो डेफिनेटली कॉन्टेंट तो किंग वाली चीज है ही और वो तो आई थिंक ये पूरा डिकेड से चल रहा है एंड वी आर आई थिंक आई एम सो हैप्पी दैट आई गॉट बॉर्न इन दिस एरा. तभी मैं I'm pretty sure तभी मैं बैठ के अपनी फिल्म की कुछ right. Well, lastly, what message you would like to give to the viewers and audience? कब आ रही, कहाँ आ रही, क्या कुछ कहना है? Yes sir. एक तो educate करना लोगों को, entertain करने के साथ साथ किस तरह के scams होते हैं. So if they can't do anything much about it, at least they should get aware of these stuff. So at least उनको पता रहे कि चीज़ exist करती है. I firmly believe कि there are some battles in life which are worth fighting for. For instance, Tanvi Shukla's battle and Rinki Shukla, Rinki Kumari's battle. Because they are not a very professional battle, they are very personal battle. जिससे रोजमर्रा की हमारी औरतें, माएँ, बहनें रोज struggle करती. For instance, we have touched upon many topics, छोटे-छोटे subtle way में patriarchy for that matter. It's a battle जिसको कोई लड़ाई ऐसी नहीं कि आप पति से सीधे झगड़ा कर दे. But आप उसको deal कैसे करें? तो अपनी लकीर आप बड़ी कर दीजिए, वही स्टार्ट्स रिस्पेक्टिंग एज अ वुमन. तो ये छोटी छोटी चीज अपने से पिरोने की कोशिश की है ताकि औरतों को और पब्लिक को जनरल सेंसिटाइज हो सके टूवर्ड्स मिडिल क्लास वुमन और औरतें से सीख सके कि हाँ हाँ सकती तो हम भी कर सकते हैं. ये ऐसा कुछ नहीं है कि स्पेस पे जाना है, ये तो हमारे जैसी है. तो शायद बंदी और रिंकी का स्ट्रगल उनको उतना इंस्पायर कर सके कि जो चीज उनको सही लगती है उसके लिए खड़ी हो सके, उसके लिए लड़ सके. Anushka, what you would like to say? I think definitely just adding to what Vivek sir has said कि बहुत ज़्यादा ये भी है कि किस तरीके से अलग-अलग generations, क्योंकि अगर हम patriarchal society की बात से वो चीज़ें चल रही हैं, but चीज़ों से deal करने की हमने शायद
हर जेनरेशन ने कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन दिया है। तो जिस तरीके से मेरी जो दादी नानी जिन चीजों को फेस कर रही थी, वो उस चीजों से मम्मी लड़ी है, और फिर उसके बाद अगर मेरी मदर उस चीजों से लड़ी है, तो उन्होंने कहीं ना कहीं, तो वी आर एक्चुअली टू डीकेड सेंस, यू नो, दी सेंचुरीज वी आर ट्राइंग टू पुश एंड वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग और पेव द वे फॉर लाइक हम। तो हमने कहीं ना कहीं वो चीज की है इस फिल्म में भी। अगर मैं कहूँ तो शायद जो तन्वी को रिंकी ना, तो रिंकी को भी तन्वी से कॉन्फिडेंस मिलता है। इट्स लाइक अ मिरर एक्सरसाइज, जहाँ पे दोनों दिस ब्यूटीफुल लेडीज आर स्टैंडिंग एंड उनको लग रहा है कि यार तुम ही कैसे कर पा रही हो, उसको लग रहा है कि तुम ही कैसे कर पा रही हो। अगर तो एक टाइम था जब वो पूरी फैमिली को, जॉइंट फैमिली को साथ में संभाल रहे हैं, और वो पूरे का पूरा, यहाँ तक कि चरखा भी कात रहे हैं और वॉशिंग मशीन भी नहीं है, कपड़े भी धो रहे हैं, खाना भी बना रहे हैं, चूल्हा भी कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये लोग कैसे कर पा रहे हैं। और वो अगर मुझे देख रहे हैं आज और वो कह रहे हैं कि यार ये कर पा रही है, नया अपना घर भी चीजें खुद से संभाल पा रही है, मतलब चाहे वो हाउस हेल्प के थ्रू हो, और साथ में काम भी कर पा रही है, और बाहर जाके रात को 3 बजे की फ्लाइट भी ले लेती है, हाउ शी इज एबल टू डू दिस। तो आई थिंक दिस इज अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल फिल्म, एज आई सेड, कि आप लोग पूरी फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं। तो जहां पर उस वुमेन को स्ट्रेंथ भी मिल रही है, और उस फैमिली मेंबर्स को ये भी समझ आ रहा है कि हम किस तरीके से, कितना गिवन दैट हमने चीजों को ले लिया, और हमको लगता है कि यार तो दैट इज अ थॉट विच इज एम्बेडेड, कि हाँ ऐसा ही होता है, हमने अपने जो डिसीजन है वो पापा के थ्रू ही लिए हुए देखे हैं। तो शायद कहीं ना कहीं वो लोगों को टच करेगा।